बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये मेरे पास क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आ रहा है और बहुत सारे लोग लास्ट वीडियो में भाई ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप इसे अप्लाई किए, वीडियो प्रोवाइड करिए। सो आज की वीडियो में आप लोगों को जो मैं तरीका बताऊंगा भाई डेफिनेटली ये तरीका वर्क करेगा। और देखो मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप इसे ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकती हो, इसमें भाई आप लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाई बेवकूफ भी बना रहे हैं या अभी ये फीचर्स है भी नहीं ऐसा बोल सकते हो, काफी लोग परेशान है कि ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा। सो आज की वीडियो में आप लोगों को पूरा मैं डिटेल प्रोवाइड करने वाला हूँ कैसे आप भाई बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकती हो, प्लस इसका फीचर्स बेनिफिट और चार्जेस क्या होने वाला है। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहना। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हम जो भाई अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं इस पे भाई क्लिक करूंगा, अपने गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो बैंक ऑफ इंडिया या BOI सर्च करोगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि कोई भी बंदा कॉल करके आपसे CVP एक्सपायरी नंबर या OTP वगैरह पूछता है तो आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं है। सो ये पॉपअप हम भाई कट करेंगे, कट करने के बाद आप लोगों को मैं डाउट क्लियर करता हूँ। देखो बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एक ही तरीका है आज के टाइम पे जो भाई तरीका वर्क कर रहा है, वो तरीका यह है कि ब्रांच में विजिट करके फॉर्म भर के आप प्रोवाइड कर दीजिए, गिन के 5 दिन के अंदर आपका डेबिट कार्ड घर पे बाय पोस्ट के थ्रू भाई डिलीवर हो जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था जब मैंने अनपैकिंग वीडियो प्रोवाइड किया था, उस वीडियो में ये बताया कि भाई ये जो डेबिट कार्ड है बाय पोस्ट के थ्रू आया है और मैंने भाई ऑफलाइन अप्लाई किया था, बैंक में जाके अप्लाई किया है। सो बेसिकली भाई उस वीडियो में ये क्वेश्चन आया कि भाई ऑनलाइन कैसे अप्लाई होगा। सो ऑनलाइन का भाई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा बैंक ऑफ इंडिया में, कैसे मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे, 3 लाइन पे कार्ड के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, डेबिट कार्ड के सेक्शन पे हम भाई क्लिक करेंगे। जो मैंने भाई कार्ड अप्लाई किया उसका फीचर्स बेनिफिट क्या है ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ इंडिया का आप लोग को अलग अलग भाई कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे मास्टर टाइटेनियम डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मेरा भाई रुपे प्लैटिनियम डेबिट कार्ड है आप लोगों को पता है, लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर रखा है। बेसिकली जो डेबिट कार्ड मैंने भाई रिसीव किया वो डेबिट कार्ड यहाँ पे मेरे को अभी देखने को नहीं मिल रहा है। सो अभी देखिए लास्ट जो मेरा सबसे फर्स्ट डेबिट कार्ड था वो भाई वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड था, बट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करने वाला, मैं सजेस्ट करूंगा रुपए का भाई डेबिट कार्ड ले सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए रुपए का डेबिट कार्ड आप लोगों को भाई ये आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड। इसका डिटेल आप लोगों को जानने के लिए आप लोगों को यहाँ पे लर्न मोर पे भाई क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करते ही रुपए का यहाँ पे डेबिट कार्ड मिल जाएगा। सो इसका फीचर्स और एलिजिबिलिटी और ट्रांजेक्शन लिमिट और चार्जेस के बारे में बताया गया। फीचर्स ये है कि भाई डोमेस्टिक कहीं पे भी यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड होल्डर विल बी गेट रिवॉर्ड विद स्टार पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मतलब कि ट्रांजेक्शन करते हो तो इसमें आप लोग को स्टार पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग को रिवॉर्ड के बारे में भाई यहाँ पे बताया गया है, इस वेबसाइट पे भाई विजिट कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा रिवॉर्ड, इस पे क्लिक करके आप इनके भाई अगले पेज पे जा सकते हो और चेक कर सकते हो रिवॉर्ड क्या दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी आपके पास अकाउंट है भाई इजीली आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, चाहे करंट अकाउंट हो चाहे सैलरी अकाउंट हो। ट्रांजेक्शन लिमिट की बात करें तो यहाँ पे देखिए मिनिमम लिमिट यहाँ पे कैश विड्रो दे रखा है 15,000 पर डे, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 15,000 पर डे आप ATM से विड्रो कर सकते हो। यहाँ पे POS और ई कॉमर्स वेबसाइट पे डेली का लिमिट है 50,000 रुपए, आप डेली स्पेंड कर सकती हो। और अब बात करें इसका चार्जेस क्या है, सो देखो इशू चार्ज यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, बट इसका एनुअल मेंटेनेंस फी है 150 प्लस आप लोगों को GST वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। और इसका कार्ड रिप्लेस करवाते हो, कार्ड खो जाता है चोरी हो जाता है दोबारा रिप्लेस करागे तो 150 प्लस आप लोगों को GST वगैरह भी इंक्लूड है। लेकिन जो मेरा कार्ड था भाई वो मेरा भाई 250 प्लस मेरा GST लगा था। अब आप लोगों का कहना ये होगा कि भाई 250 प्लस GST क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे तो भाई 150 प्लस ही GST बताया जा रहा है। सो जो मैंने भाई कार्ड अप्लाई किया ब्रांच में विजिट करके अप्लाई किया और उस कार्ड का प्राइस था 250 प्लस GST है, और वो मेरे कार्ड का नाम है रुपे प्लैटिनियम डेबिट कार्ड। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि भाई वो कार्ड कौन सा है। सो देखो भाई इस कार्ड में और इस वाले कार्ड में आप लोगों को काफी फर्क देखने को मिल जाएगा। ये मेरा भाई प्लैटिनियम डेबिट कार्ड है, रुपे प्लैटिनियम डेबिट कार्ड जो भाई 250 प्लस GST है, और ये वाला जो कार्ड है ना ये रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड है जो 150 प्लस GST यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट इस कार्ड का भाई लिमिट ज्यादा है और इस कार्ड का लिमिट कम है। कुल मिला के भाई जो कार्ड आप ले रहे हो उसका कॉस्ट जितना हाई रहेगा उसका लिमिट आप लोगों को भी हाई देखने को मिलेगा, इसका लिमिट भाई इससे थोड़ा ज्यादा है। सो इस वजह से मैंने ये भाई सिलेक्ट किया। अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो बैंक में आपसे भाई पूछा भी जाएगा कि कौन सा भाई कार्ड लेना चाहते हो। सो डिपेंड करते हैं आप भाई कौन सा कार्ड अप्लाई करना चाहते हो। अब रहेगा कि भाई हम कैसे अप्लाई करेंगे। सो देखो अब तक मैंने आप लोगों को यही बताया कि ब्रांच में ही जाना, ब्रांच में ही जाना, बैंक वाले पूछेंगे। सो जाहिर सी बात है आप भाई ब्रांच में ही विजिट करके अप्लाई कर सकते हो, ना कि आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। हम लर्न मोर पे भाई क्लिक करते हैं तो कहीं पे भी ऑनलाइन अप्लाई करने का भाई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। अब बहुत सारे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा कि ऑनलाइन अप्लाई करो, ऑनलाइन अप्लाई करो। सो भाई सारे के सारे वीडियो भाई क्लिकबेट है, मैं ये नहीं कह रहा कि फेक है। फीचर्स बेनिफिट सब कुछ क्लियर बताया जा रहा है, उस वीडियो में ये भी बताया जा रहा है कि आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। सो टोटली भाई क्लिकबेट है ताकि व्यूअर्स आए,
मैंने आप लोगों को भाई क्लियर कर दिया। और इसे अप्लाई करने के लिए आप सिंपल सा ब्रांच में जाइए, नजदीकी ब्रांच में जो भी आपका होम ब्रांच है, वहां पे जाने के बाद आप सिंपल सा बोलिए कि मेरे को अपना डेबिट कार्ड अप्लाई करना है। वो आपसे भाई आपका बैंक का पासबुक पूछेंगे, पासबुक इस वजह से पूछा जाता है, पासबुक का जेरेक्स आप लोगों को भाई प्रोवाइड करना है, प्लस आप लोगों को अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का जेरेक्स उसमें अटैच कर देना है, सिग्नेचर कर देना है, फॉर्म भर के प्रोवाइड कर देना है। हैंड टू हैंड आपका भाई डेबिट कार्ड इशू कर दिया जाता है और 5 डेज के अंदर आपके भाई बाय पोस्ट के थ्रू घर पे डिलीवर भी हो जाता है। तो इस तरह आप अपना भाई बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकती हो। सो होप आप लोग जो मैंने डिटेल प्रोवाइड किया सब कुछ समझ में आ चुका है। इसका अनपैकिंग वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।